हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन यमी। मैं हूँ शिवांगी, आपके लिए लेकर आई हूँ 99 पोर्टल की ब्लेसिंग की रीडिंग। तो आपको क्या गाइडेंस मिलता है डिवाइन के तरफ से? देखिए, 99 पोर्टल मींस एक ऐसा कंप्लीशन होता है कि जो अपने जीवन में एक हम इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कंप्लीट कर देते हैं या कुछ रिलीज कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, हम छोड़ देते हैं, हम थॉट प्रोसेस कुछ नया सोचते हैं। ओके, कोई पुराना पैटर्न है जो आप रेगुलर करते हो और आप अभी आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि नहीं, हमने कुछ चेंज करना चाहिए हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे पैटर्न में कुछ चेंज होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली फीलिंग्स आपको आ रही होगी और वो चेंजेस ही 99 पोर्टल यहाँ पर ब्लेसिंग देते हैं, डिवाइन यहाँ पर ब्लेसिंग देते हैं कि आपका कुछ रिलीज हो जाता है और नया कुछ आपके जीवन में आप सोचने लगते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या गाइडलाइन मिल रही है और आपको क्या क्या आपके ब्लॉकेजेस है या क्या आपके जीवन में नया कुछ आ रहा है। हमें मूनोलॉजी से यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडलाइन मिल रही है। तो थैंक यू। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए। यहाँ पर मैसेज भी वही है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, तो यहाँ पर आपको यही गाइडलाइन दी जा रही है कि आपके अंदर की जो भी, मैंने कहा कि 99 पोर्टल क्या करता है कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो निकालनी है। ओके, तो आपको पता चल गया है कि आपके अंदर कुछ निगेटिविटी, निगेटिव थॉट्स है, कुछ बैड हैबिट्स है, कुछ तो भी है, तो ये यहाँ पर छोड़ देना है, यहाँ पर ये रिलीज करना है। ये यहाँ पर और गाइडलाइन ये बता रहे हैं कि ये टाइम जो है, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। दैट मीन्स आप कुछ, आपके जीवन में कुछ डिजायर चाहते हो, आप में कुछ चेंजेस चाहते हो, तो उसके लिए ना आप उसके लिए रेडी रहिए। आप वो सब चेंजेस आपके जीवन में लाइए, आपके हाथ में आपकी, आपके हाथ में आपका मैजिक है। ओके, आप कुछ डिजायर रिजल्ट चाहते हो, आप कुछ परफेक्ट चाहते हो, तो वो आपके हाथ में है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपके हाथ में है और आपको वो करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, आप ऐसी नर्वस एनर्जी लेकर बैठे हो तो इसको कन्वर्ट करो जॉयफुल एनर्जी में, जो कि आप खुद कर सकते हो, कोई आकर आपको नहीं करेगा। बट यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर नॉक नॉक कर रहा है और बोल रहा है कि यस, आप रिलीज कर दो वो सब और आप जॉयफुल एनर्जी यहाँ पर कैच कर सकते हो। आपके जीवन की, किसी के जीवन की टॉक्सिक एनर्जी होती है वो भी आप यहाँ पर रिलीज कर सकते हो, मेडिटेशंस के थ्रू कर सकते हो, कोई मंत्रास के थ्रू कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये रिलीज कीजिए। ओके, उसे छोड़ दीजिए, आपके जीवन में आपका डिजायर जो भी है वो मिलने वाला है। बट यहाँ पर आपको ये प्रोसेस जरूर करनी पड़ेगी आपको, और एक अच्छी एनर्जी का ये एक पल है। ओके, ये एक ऐसा टाइम है कि आप एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एक गुड, बेटर एनर्जी आप रिसीव करने वाले हो, तो उसको रिसीव कीजिए और इसे निगेटिव एनर्जी को रिलीज कीजिए। बहुत ही बेटर, बेस्ट टाइम है यहाँ पर। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि फेरी की तरफ से आपको और क्या गाइडलाइन आती है, फेरी आपको क्या गाइडलाइन देना चाहती है 99 पोर्टल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फेरी। बिलीव इन मैजिक, मैंने जो वर्ड बोला था ना मैजिक का, तो इस कार्ड में आया हूँ। ठीक है, आपको आपके हाथ में ही मैजिक है। ओके, और उसके ऊपर आपको आपको ना उसके ऊपर बिलीव रखना है, अपने आई ओपन करना है, देखना है सराउंडिंग में कि आप क्या कर सकते हो और आप में क्या खूबी है। हीलिंग, आप बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्ड आया हीलिंग का। यस, ये प्रोसेस को ही हम हीलिंग कहते हैं कि जो निगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है और पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव करने वाले हो, दैट मीन्स हीलिंग। और वो बाय डिफॉल्ट यानी गॉड के तरफ से होता है, आपके इष्ट देवता से, आपको पता भी नहीं चलता है कि कुछ आप रिलीज कर रहे हो और आप कुछ नया ला रहे हो आपके जीवन में, तो ये हीलिंग होता है। नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग।
Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. आप में वो एक कैपेबिलिटी भी है कि आप ना दूसरों को हील कर सकते हो, ठीक है. जब आप ना आपकी ये टॉक्सिक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर दोगे, तो आप में ना एक ऐसा चेंजेस आएगा कि आप दूसरों को गाइड करोगे और दूसरे के जीवन के लिए ना आप एक हीलर बन सकते हो. ये यहाँ पर गाइडलाइन आ रही है फेरी के तरफ से कि आप में वो मैजिक है कि आप दूसरों को हील करने वाली आप में एक गट्स है. तो आप दूसरे की लाइफ को कुछ पॉजिटिव, उनके लाइफ में कुछ गाइडेंस देना है, किसी को कुछ बताना है, तो आप वो कर सकते हो. आप एक हीलर बन सकते हो. ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर ब्लेसिंग आई है यूनिवर्स की तरफ से. तो जो आपने खुद को अभी बांध कर रखा है ना एक निगेटिव एनर्जी में, निगेटिव थॉट्स में, एक डेयर नहीं कर रहे हो, फियर की एनर्जी आ रही है, तो वो सब निकाल दो. ओके, यहाँ पर आपको डेयर करना है, ना कि फियर करना है. तो यहाँ पर एक्वेरियस हम देखेंगे आपके लिए कि डिवाइन और आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं. आपके जीवन से क्या निकाल रहे हैं ऐसा, और क्या आपके जीवन में नया ला रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच द वर्ल्ड. यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. यस, आपको ना एक ऐसी एनर्जी में ला रहे हैं कि आप ना एक फायर की एनर्जी में, यानी एक्टिव होने वाले हो. आपको कुछ करना है आपके जीवन में जो आप तक आज तक कर किया नहीं है, और वो आपको करना है. तो यहाँ पर जो स्टक की एनर्जी है आपकी, जो रुके थे आज तक रुके थे, तो इसके बाद वो काम के लिए, जो भी आप वर्क करना चाहते हो उस काम के लिए ना अभी रुकोगे नहीं, वो काम आगे बढ़ेगा आपका. तो यहाँ पर डिवाइन ये कह रहा है कि वो काम बढ़ने वाला है, आप प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए. ओके, यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है. वांड्स की एनर्जी है डेफिनेटली. आप है ना एक मैंने कहा आप एक हीलर बन सकते हो. यस डेफिनेटली, आपकी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, आप नया कुछ सोचने वाले हो और नया कुछ. यहाँ पर आपको ब्लेसिंग ऐसी मिल रही है कि आप जो करना चाहते हो ना, यहाँ पर पूरी तरह अच्छे से ऐसा प्लान बनाइए, एक अच्छा सा, एक जो भी है आपके आपके जो भी आपके साथ में वर्कआउट करना चाहते हैं जो भी लोग, ओके, उनको भी आप ना प्रॉपर गाइड कीजिए, और उसके बाद में ही आप यहाँ पर एक्टिव हो जाइए और यहाँ पर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग कर सकते हो. आपको जो भी काम स्टार्ट करना है तो आप उसके लिए रेडी हो. ओके, और रेडी करेंगे डिवाइन आपको धीरे धीरे रेडी करेंगे. आप अभी रेडी नहीं होंगे तो यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है आपको डिवाइन. सचमुच यहाँ पर अभी पूरी तरह बैलेंस कर रही है आपकी लाइफ, आज तक कैसी थी, ओके, और इसके बाद आपकी लाइफ कैसे रहेगी. तो आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप निगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक एनर्जी रिलीज कर रहे हो. ओके, तो इसलिए यहाँ पर आपको अभी जस्टिस मिल रहा है. अब आपकी लाइफ पूरी तरह टर्न होने वाली है. ओके, और पूरी तरह बैलेंस होने वाली है, जो कि आपने डोर ओपन हो रहा है आपके लिए. वेरी गुड, यहाँ पर बहुत ही सुंदर है. द वर्ल्ड का कार्ड है, दैट मीन्स आप कहीं अब्रॉड भी जा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है. आप जो आज तक रुके हो, जिस चीज़ के लिए आपने रोका है खुद को, या आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, उसका रिवॉर्ड्स अभी आपको मिलने वाला है. ओके, धीरे धीरे मिलेगा, पर डेफिनेटली मिलेगा. ये यहाँ पर है गाइडलाइन. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि और आपको क्या. और आपके जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं यूनिवर्स. ये कार्ड मैंने पहले भी दिखाया था. यहाँ पर आपके जीवन के जो ब्लॉकेजेस है वो निकाल रहे हैं. आपने जो सेल्फ वर्क किया है, बहुत सारा जो स्ट्रगल की है, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे. और आपको जो भी काम करना है तो आप बड़ी हिम्मत से कर सकते हैं. ओके, कोई आपके साथ में नहीं आ रहा होगा, टीम वर्क नहीं आ रही होगी, तो आप खुद पहले स्टार्ट कर सकते हैं. आपका जो भी वर्क है आप सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो. किसी की भी आपको
कोई जरूरत नहीं होगी और कोई जरूरत नहीं भी है, ओके, क्योंकि आप में वो इतनी एबिलिटी है कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, इतनी आपकी मैजिक है, तो आप खुद सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो। पहले खुद स्टार्ट कर दो, बाकी लोग अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यस, ये यहाँ पर यही दिखा रहा है कि सब लोग ना आपके पास में जरूर आएंगे। जब आप ये स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप सब आएंगे आपके पास में। जब आपको एक अच्छा पोस्ट मिलेगा, अच्छा सब नाम फेम जो रहता है, तो आप धीरे धीरे अपने एरियाज में काम करने लगोगे, जो आपको करना है, जो आप आज तक स्टक करके रखे थे, जो आपको आगे बढ़ाना है। तो यस, लोग आपको आएंगे, आपके पास में आएंगे और सब कुछ अच्छा होगा, ओके। आपके फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगी। आप आपके फैमिली के लिए कुछ लेना चाहते हो, तो यस, उनके लिए भी आप बहुत कुछ करने वाले हो। यहाँ पर ये गाइडलाइन आ रही है और बहुत सब कुछ खुश रहेंगे, फैमिली भी खुश रहेगी और आपका जो परिवार है, फ्रेंड सर्कल होगा, रिलेटिव्स होंगे, वो सब आपके पास में आएंगे, ओके, आएंगे आपके पास में। और यहाँ पर यही आ रहा है कि लोग ना आकर ना आपको गिफ्ट देते जाएंगे, ओके, आपके वर्क को यानी अप्रिशिएट करेंगे लोग। यहाँ पर वो यहाँ पर सोचेंगे कि यस, आप कुछ तो भी चेंज हो, अलग हो, ओके, और वो आपको हर बार आकर आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे कुछ लेकर जाएंगे, कुछ नॉलेज लेकर जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर जो हीलिंग की एनर्जी आई है, हीलर की एनर्जी आई है, दैट मीन्स आपके पास में लोग आएंगे और आपसे कुछ अच्छा लेकर जाएंगे और आपको कुछ देकर भी जाएंगे, क्योंकि गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी आप में वो इनबिल्ट है और वो बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर और जिनके ट्रू सोलमेट उनको मिलना चाहते हैं, उनके जीवन में जो ट्रू सोलमेट चाहिए होंगे, तो वो भी यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे उनको। यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर ब्लेसिंग आई है यूनिवर्स के तरफ से। नाइट ऑफ कप्स, आपके तरफ प्यार आएगा और वो प्यार बहुत ही अच्छे से बैलेंस करते हुए आएगा। चाहे वो प्यार, मैंने कहा ना, रिलेटिव्स हो गए, फैमिली हो गए, आपके लवर हो गए, ट्रू सोलमेट होंगे, जो भी होंगे आपके तरफ आएंगे, तो पूरी तरह बैलेंस करके आएंगे, एक मैच्योरिटी लेवल से आपके पास में आएंगे। यस, यहाँ पर यही दिखा रहा है, या आप ना लोगों को बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, या टीम वर्क कर रहे हो, आपकी टीम जुड़ेगी, स्टार्ट आपको करना है, टीम आपके साथ में ज़रूर आएगी। यस, टीम आएगी, बट स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो पहले। टेन ऑफ कप्स, आप ना जो पहले कहा था कि जो डिजायर आपको चाहिए, ओके, आपके अंदर जो डिजायर है, जो आपको गोल सिलेक्ट करना है, तो आप वो सिलेक्ट कीजिए और उसके तरफ जाइए। यस, आपको सक्सेस है, आपको सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का भी कार्ड है। यस, एक डोर ऐसा ओपन हो रहा है कि आप उसमें से ये टॉक्सिक एनर्जी रिलीज कर आप ना पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। ये ऐसा डोर ओपन किया है आपके लिए और बहुत ही सुंदर यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग दे रही है, उसे रिसीव कीजिए। तो गाइज, यहाँ पर मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ और जो आपको यहाँ पर ब्लेसिंग आ रही है, जो गाइडलाइन आ रही है, वो आपके जीवन में बेहतर, आपको बेहतर बनाने के लिए है। और आप ये आप इसको वेलकम कीजिए, ये एनर्जी को वेलकम कीजिए और सचमुच खुद के ऊपर वर्क कीजिए और स्टार्ट कीजिए, तो आप ज़रूर देखोगे आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ज़रूर आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपको रियलाइज होगा। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।